Hello friends, how are you? Welcome to Sony's Corner और मैं हूँ सोनी. Friends, आज हम तिल की चिक्की बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्द बन जाती है. तो तिल की चिक्की बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ. तिल की चिक्की बनाने के लिए हमने एक कटोरी तिल लिए हैं, एक कटोरी चीनी ली है, थोड़े से हमने बादाम लिए हैं जिसको हमने बारीक काट लिया है, और हमें इलायची पाउडर चाहिए होगा, ये है 1 टीस्पून, और थोड़ा सा हमने नटमेग लिया है, जायफल, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये हमें थोड़ा सा ही डालना है, और इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा देसी घी चाहिए होगा ग्रीस करने के लिए. वो हम चकले को, ये देखिए, ये हम चकले को अपनी एक कटोरी को बैक से और बेलन को हम ग्रीस कर लेते हैं. तो हम चिक्की बनाने से पहले ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं ग्रीस करने का. और ये ग्रीस हमें पहले ही करके रखना पड़ता है क्योंकि चिक्की बनने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको बाद में ग्रीस करें और फिर चिक्की का मटेरियल डालें तो वो जल्द ठंडा हो जाता है, इसलिए इसको पहले ग्रीस कर लेना है हमें. तो पहले हम इसको ग्रीस कर लेते हैं. ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा देसी घी हमने डाला है और चकले को ग्रीस कर लिया है. ऐसे ही हम कटोरी की बैक साइड को भी ग्रीस कर लेंगे घी से, और बेलन को भी हम ग्रीस करके रखेंगे चिक्की बनाने से पहले. तो हमने ये तीनों चीज़ें ग्रीस करके रख ली हैं, तो अभी हम चिक्की बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं. तो फ्रेंड्स, हम चिक्की बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं. ये कढ़ाई हमें चाहिए होगी जो कि हमने गैस के ऊपर रख दी है. गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गैस के ऊपर रखेंगे. सबसे पहले हमने तिल को भूनना है, तो इसमें हम तिल डाल देते हैं और इसको हमें लगातार हिलाते रहना है. और पहले अच्छे से हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब हमें इसको स्लो पर कर देंगे और स्लो पर इसको अच्छे से भूनेंगे. और इसको हमें ब्राउन नहीं करना, इसकी हल्की सी स्मेल आ जाएगी, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो हम गैस ऑफ कर देंगे और अपने तिल को दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे. तो फ्रेंड्स, ये स्लो गैस पर हमारे तिल भुन रहे हैं और इसमें से इसका कलर चेंज नहीं होने देना हमें. अगर ये डार्क हो जाएंगे तो इसका ये कड़वे टेस्ट करेंगे और हमारी चिक्की ख़राब हो सकती है, इसीलिए इसे हमें थोड़ा सा ही भूनना है. इसमें से हल्की सी रॉ स्मेल चली जाए तो हम गैस ऑफ कर देंगे. ये देखिए फ्रेंड्स, हल्के से हमारे तिल का कलर चेंज हो गया है और ये हल्के से इसको हल्के से ही हमें सेकना है. तो हमारे तिल भुन गए हैं, अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और तिल को दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे. तो फ्रेंड्स, हमने तिल को बर्तन में निकाल लिया है और गैस हमारी स्लो पर चालू है. अभी हम कढ़ाई में चीनी ऐड करेंगे. ये देखिए, एक कटोरी हमने चीनी ऐड की और इसको अब हमें हिलाते जाना है जब तक कि ये पिघले नहीं.
और इसको हमें छोड़ना नहीं है, कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही धीरे धीरे इसको हिलाते रहना है जब तक कि ये पिघल ना जाए। पहले हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है, फिर उसके बाद हमें स्लो कर देना है और स्लो पर हमें ये प्रोसेस करना है पूरा, चीनी को गलाने का, चीनी को पिघलाने का। पाँच मिनट हिलाने के बाद फ्रेंड्स हमारी चीनी का टेक्सचर जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये देखिए, ये धीरे धीरे नीचे से थोड़ी गलनी शुरू हो गई है। ये देखिए इसका ये लूज़ होनी शुरू हो गई है। अभी धीरे धीरे करके ये पूरी चीनी हमारी लूज़ हो जाएगी, ऐसे ही पिघल जाएगी। और पाँच मिनट के बाद हमारी चीनी का टेक्सचर ये है। और अभी और इसको हीट मिलेगी तो ये और लिक्विड होती जाएगी। तो मैं फिर आपको बाद में वो स्टेज भी दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीनी काफ़ी हद तक गल गई है। इसमें थोड़ी ग्रैन्यूल्स बाकी है, वो पिघल जाने पर हम इसमें हम तिल डाल देंगे। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस पूरी तरह जब गल जाए तो हमें गैस को ऑफ कर देना है। तो ये देखिए हम फ्रेंड्स, ये हमारी चीनी जो है वो पूरी तरह से पिघल गई है। और अभी इस स्टेज पर हम तिल मिला देंगे जो कि हमें भून कर रखे हुए हैं। और इसके साथ ही हमें ये छोटी इलायची डाल देनी है या बादाम डाल देंगे। और हमें नटमेग पाउडर भी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे घिस कर। और हम इसको मिक्स करते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स हो जाने पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारी गैस बिल्कुल स्लो पर है और इसलिए रखी है ताकि ये जम नहीं जाए। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, तब इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अपना मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करके चकले पर डालेंगे और फ्लैट करेंगे। अच्छे से इलायची पाउडर और बादाम अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसको अभी हम इसको चकले पर डालते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम मिक्सचर जो है वो चकले के ऊपर डालेंगे। बहुत गर्म है इसलिए ध्यान से डालना पड़ेगा हमें। इसको ढक के डालेंगे। बहुत गर्म है ये, थोड़ा ध्यान से डालना पड़ेगा आपको। जितना भी कढ़ाई में मिक्सचर है उसको हम निकाल लेते हैं और अभी हम इसको फ्लैट करेंगे। ये हम ग्रीस की हुई कटोरी लेंगे और उससे हम इसको फ्लैट करेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड, कटोरी से बहुत इजीली फ्लैट हो जाता है और हम बेलन से इसको पतला करेंगे। इसके बाद हम ग्रीस किए हुए बेलन लेंगे और जितना पतला हमें चाहिए उतनी पतली चिक्की हम बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड,
हमें इन दोनों की सहायता से ही चीकी को फ्लैट करना है। और ये चकले पर, ये देखिए, चकले पर चिक्की को बनाने से ये बिल्कुल चिपकती नहीं है। और इसको हम फ्लैट करके पतला कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह ये बनती है। अपने हिसाब से जितना हमें पतला करना है उतना हम इस पर प्रेशर डालकर इसको बेलते जाएंगे। थोड़ा प्रेशर डाल के आगे करेंगे। ये देखिए इधर से भी, क्योंकि हमें पतली चाहिए चिक्की। बहुत जल्द ठंडी हो जाती है, इसलिए ये प्रोसेस हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और बहुत गर्म होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से भी करना पड़ता है। तो ये हमारी चिक्की जो है वो रेडी हो गई है। हमने अच्छे से इसको बेल दिया है और इसको फ्लैट कर दिया है। ये देखिए स्मूथ हो जाती है, इससे बिल्कुल एकदम से स्मूथ हो जाती है। अभी हम इसको कट करेंगे। पिज़्ज़ा कटर से हम निशान लगाएंगे। चिक्की गर्म हो तभी हमें निशान लगाना है, नहीं तो निशान लगाने में दिक्कत होती है। आप नाइफ का भी यूज़ कर सकते हो, और नाइफ को रख के ऊपर से प्रेशर डालोगे तो उससे भी बहुत अच्छे कट लगते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा कटर से तो बहुत इजी रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पर ठंडी हो गई है वहाँ पर ये मुश्किल से अभी हम इधर से निशान लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चिक्की जो है वो रेडी है। अभी इसको ठंडे होने देना है हमें, और ठंडा होने के बाद इसके हम पीसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी चिक्की थोड़ी ठंडी हो गई है। अभी हम इसको तोड़कर देखते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, ये आराम से निकल जाती है, चकले पर बिल्कुल भी चिपकती नहीं, इसीलिए चकले पर बनाना जो है बहुत इजी हो जाता है चिक्की को। तो अभी हम देखते हैं, ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, इसका टेक्सचर देखिए बहुत अच्छा बना है एकदम से। देखिए इसकी क्रंची, देखिए क्रंचीनेस बहुत ही अच्छी बनी है हमारी चिक्की। ये देखिए, ये देखिए एकदम से क्रिस्पी एंड क्रंची चिक्की इज रेडी। बहुत अच्छी, टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है इसका, लेकिन ये देखिए आपको देखने से ही मालूम पड़ जाएगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। इसकी क्रिस्पीनेस देखिए। तो फ्रेंड्स, हमारी चिक्की जो है वो बनकर रेडी हो गई है। बहुत अच्छी चिक्की बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चिक्की जो है वो रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची चिक्की हमारी बनी है। और इस चिक्की को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हमारे जो तिल हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं
पकाने हैं उसको, काला नहीं करना है। अगर डार्क कर दिया तो उसका टेस्ट चला जाएगा, कड़वे हो जाएंगे। और हमें चीनी को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जब वो पूरी तरह से पिघल जाती है तो उसके अंदर हमें तिल डालकर मिक्स करना है और सब चीज़ पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालकर उसको मिक्स करते ही हमें बंद कर देनी है गैस और चकले के ऊपर हमें फ्लैट कर देना है। तो बहुत इजी हो जाएगा चिक्की बनाना आपके लिए। तो थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान दोगे तो आपकी चिक्की कभी भी गलत नहीं बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरे रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन। बाय बाय।